बिग बॉस के घर का डे 31 का रिव्यू मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पर लेकर आई हूँ। दरअसल आज के दिन की शुरुआत बिग बॉस के घर में हुई एविक्शन के साथ सिद्धार्थ डे का एविक्शन हुआ। और सबसे खास बात यह है कि सिद्धार्थ डे ने ड्रामा क्रिएट करते हुए जो टी शर्ट पहना था नो रिग्रेट, यानी वो एक मैसेज देना चाहते थे कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि वो इस घर के से जो है बाहर निकल गए हैं। और उन्होंने उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत शेर भी पढ़ा, जमीर जमीन शान नाम। लेकिन मैं सिद्धार्थ डे से पूछना चाहूंगी कि आप जमीर की बात कर रहे थे, कि आपने घर के अंदर रहते हुए महिलाओं के लिए जिस तरह की असभ्य भाषा का उपयोग किया, उसके बाद क्या जो है ये जमीर की बात है आपके मुंह से अच्छी लगती है या नहीं। हालांकि सिद्धार्थ डे का एविक्शन हो गया है, हमने ये खबर जो है आपको कल ही बता दी थी। उससे आगे बढ़ते हुए करिश्मा तन्ना की बात करते हैं। वो इस घर में आई थी आज डिक्टेटर बनके, और उनके उन्होंने जो उनका जो दिया हुआ गेम शुरू हुआ उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट थी जो सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला माहिरा खान को कि ये मेरी छाती पर टच कर रही थी। जी हाँ, ये मेरी छाती पर टच कर रही थी। इसी तरह की भाषा का उपयोग जो है ना बिग बॉस के घर में आए दिन होता रहता है। ये मुझे छू रहा था, वो मुझे छू रहा था, उसको गाली देना, इसको गाली देना, उधर जाके गुटबाजी करना, इधर गुटबाजी करना। तो किसी ऐसे टास्क में जहां इस तरह की लाइनों की जरूरत नहीं थी, इन शब्दों की जरूरत नहीं थी, वहां पर भी जो है ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया। खैर, टास्क ये था कि करिश्मा ने अपने शाही हार को बचाने के लिए दो शाही गार्ड चुने थे, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई। जी हाँ, यहाँ पे भी ड्रामा था, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन उन दोनों को शाही गार्ड चुना गया। और उनका काम था, टास्क था कि प्रजा जो बाकी कंटेस्टेंट है वो प्रजा थी, वो इस हार को बचाए। और जो अगर वो हार ले लेगा तो उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो किसको जो है एलिमिनेट करता है उस शाही गार्ड के पद में से। तो इस तरह से हार लिया गया, दिया गया, हार टूटे भी, कहीं हार आए कहीं गए, लेकिन लास्ट में जो हार बचा, वो जो शाही गार्ड बचे, वो थे देबोलिना और सिद्धार्थ शुक्ला। और इन दोनों ने मिलके जो है शॉपिंग की घर के राशन की। हालांकि उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ, जो आज मुझे लगा कि जब नॉमिनेशन की लिस्ट बताई गई, डिक्लेयर की गई कि चार्ट में कौन लोग ऊपर है, नीचे है, टॉप पर है, तो आपस में इस बात को लेके सभी कंटेस्टेंट में खुसफुस हो रही थी। लेकिन जो दो लोग एक्टिव हो गए खुद को टीआरपी में लाने के लिए, दर्शकों की नजरों में लाने के लिए, उसमें से एक मुझे लगी सना। जी हाँ, जहाँ एक तरफ वो जाके रश्मि देसाई को बता रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला और तुम्हारी जोड़ी बहुत क्यूट लगती है, तो उनसे पैचअप क्यों नहीं कर लेती, वहीं वो पारस और मायरा के बीच में खटास पैदा करने की भी कोशिशें कर रही थी। जी हाँ, ये काम उन्होंने किया है। वहीं देबोलिना ने जो है घर के टास्क में नियमों का उल्लंघन करते हुए आरती को जाके कॉफी पिलाई है, उसके बाद बिग बॉस के कहने पर उन्हें अपनी वो कॉफी रख देनी पड़ी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी जो मैं बताना आपको भूल गई, कि हर एपिसोड में और हर कंटेस्टेंट से जब मैं मिली हूँ, सबने बोला है कि रश्मि देसाई को अपना गेम प्लान चेंज करने की जरूरत है। अबू मलिक ने ये बात बोली थी, कल फर्रा खान की अदालत में भी उन्होंने ये बात बोली थी कि रश्मि क्या करोगी तुम जब सिद्धार्थ यहाँ से चले जाएंगे। तो ये आज जब हमने सिद्धार्थ डे का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये बात बोली कि रश्मि में पोटेंशियल है, लेकिन उनका जो गेम प्लान है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो रश्मि को ये बात आज करिश्मा तन्ना ने भी बोली कि तुम जिसका जिक्र करती रहती हो ना, वो तुम्हारा जिक्र तक नहीं करता। जी हाँ, उनका इशारा कहाँ था, सिद्धार्थ की तरफ। तो ये बात जो है रश्मि देसाई तक कैसे पहुंचेगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात सबको पता चल गई कि रश्मि देसाई के पास कोई भी गेम प्लान नहीं है। देबोलिना एक्टिव हो चुकी है और बाकी कंटेस्टेंट एक्टिव हो चुके हैं। सना एक्टिव हो चुकी है अपनी जो है टीआरपी चार्ट में ऊपर आने के लिए, नॉमिनेशन के उसमें ऊपर आने के लिए, कि दर्शक उनके लिए नॉमिनेट करे, ज्यादा करे, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दे। तो अभी जो है अब कैसे कैसे गेम प्लान आगे बढ़ता है पता नहीं, जहां तक जेल की बात है। हर किसी को दो दो लोगों को नाम लेने हैं। और आज हमने थोड़ी सी झलक देखी, टीजर देखा, जहां सिद्धार्थ शुक्ला जो है कभी मायरा पे, कभी देबोलिना पे, मी टू, मेरी छाती को टच कर रही थी, इस तरह के शब्दों का उपयोग करके गुटबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब जेल में डालने की बात आई, दो दो नाम लेने की बात आई, तो इन सब ने जो है दो गुटों में बट कर जो है गुटबाजी शुरू कर दी है। सिद्धार्थ डे बाहर निकल चुके हैं, कुछ ही कंटेस्टेंट बाकी है। इस हफ्ते जो है और चार कंटेस्टेंट निकलेंगे, कुछ नए अंदर जाएंगे, तो देखना होगा कि ये जो बिग बॉस के घर का मसाला जो है जिस तरह से ये फिनाले की तरफ बढ़ा है, कैसे कैसे जो है इस घर में मसाला बढ़ता रहता है। तो ये देखने के लिए हम भी बहुत ज्यादा उत्सुक रहेंगे। और इस सारे अपडेट्स को जानने के लिए आप फिल्म विंडो देखते रहिए।